साल 2018 के बाद छात्र संघ के चुनाव पर सरकार ने यह कहकर प्रतिबंध लगा दिया था कि इन चुनाव के कारण दंगे फसाद और झगड़े की बढ़ावा मिलता है। लेकिन सरकार यह स्पष्ट करे कि क्या विधानसभा और लोकसभा चुनाव में वाद विवाद नहीं होते, तो फिर छात्र संघ के चुनाव पर प्रतिबंध क्यों? यह कहना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं का, जिन्होंने जिला सचिवालय पहुंचकर सरकार की शिक्षा विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, शिक्षा मंत्री के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा और ABVP छात्र नेताओं और सदस्यों की माने तो इनकी सबसे प्रमुख मांग यह है कि छात्र संघ के चुनाव को जल्द से जल्द बहाल किया जाए और दूसरी ओर सरकार ने जो चिराग योजना चलाई है उसे या तो बंद करे। उन्होंने कहा सरकार चिराग योजना के तहत बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाएगी और उनके फीस भी भरेगी, तो करोड़ों से बनाई गई स्कूली इमारतों का क्या होगा और क्या होगा सरकार के मॉडल स्कूलों का? हरियाणा सरकार हाय 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 हाय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अजय, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रांत खेल संयोजक है। आज जो ये प्रोटेस्ट है हमारा, ये हरियाणा सरकार के खिलाफ है। सिर्फ दो मांगों को लेकर, वैसे तो कई मांगे हैं मुख्य मांगे तो, पर इसमें सिर्फ दो मांगे। पहली मांग ये है कि हरियाणा में 2018 के बाद छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए गए थे। सरकार का कहना है कि इन चुनावों के अंदर लड़ाई दंगे होते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या विधानसभा और लोकसभाओं के चुनाव में लड़ाई दंगे नहीं होते हैं? सरकार ये चाहती है कि जो युवा लोग हैं जो राजनीति में आने चाहिए उनको किसी तरीके से रोका जाए। तो पहली मांग तो ये है कि सरकार से कि हरियाणा में छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाएं। दूसरा, जो अभी सरकार जो चिराग योजना जो लेकर आई है अभी हरियाणा के अंदर, उसमें ये कि सरकार प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है। आज तृप्ति सैनी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य। आज जो विद्यार्थी परिषद पूरे हरियाणा प्रांत के अंदर प्रदर्शन कर रही है, विद्यार्थियों के हितों का जिस प्रकार हरियाणा सरकार की कुछ नीतियों के द्वारा जो हनन हो रहा है उनके विरोध में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रेवाड़ी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है कि जिन नीतियों से विद्यार्थियों का नुकसान है उनका हनन किया जा रहा है, उनको वापिस लिया जाए या फिर उनके अंदर उचित बदलाव किए जाएं जिसके जिनके छात्रों का जो नुकसान हो